केवल दान करना महत्वपूर्ण नहीं है, किसे दान कर रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुनाती हूँ कहानी एक सब्जी वाले की, जो रोजाना एक गली से गुजरा करता था, आवाज देता था सब्जी ले लो। ऐसे ही रोज की तरह जब वो उस गली में आया, उसने आवाज दी कि सब्जी ले लो। उस समय एक बहन जी निकल कर आई, उसने ठेले को एक पेड़ की छांव में नीचे लगाया। बहन जी आई, सब्जी के लिए थोड़ी बातचीत हुई, बातचीत थोड़ी बहस में बदल गई और उसके बाद चिक चिक इतनी हो गई कि वो बहन जी सब्जी वहीं छोड़कर चली गई। असल में वो सब्जी के साथ धनिया और मिर्ची फ्री मांग रही थी, जो कि सब्जी वाले ने देने से मना कर दिया। इस बात पे वो नाराज हो गई, सब्जी को वहीं छोड़कर चली गई। इतने में वहीं उसी पेड़ के किनारे गौ माता बैठी थी, जो सब्जी वाले की तरफ बड़े प्रेम से देख रही थी। गौ माता अपने बछड़े के साथ थी। सब्जी वाले ने अपने ठेले में से कुछ भाजियां निकाली, कुछ थोड़ी सी सब्जियां निकाली, गौ माता के आगे डाल दी। अच्छा, वो भाजियां पालक की भाजी थी, जो बिल्कुल अच्छी और फ्रेश थी। ऐसा नहीं कि वो खराब सब्जी थी, ये उसने गाय माता को दे दिया। दूर खड़ा एक आदमी ये सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि ये क्या हुआ भाई। तो आकर उसने सब्जी वाले से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बहन जी जब तुमसे कुछ मुफ्त में मांग रही थी, उसके चक्कर में, कुछ थोड़ी सी चीजों के चक्कर में तुमने अपनी 200-300 रुपए की सब्जी का नुकसान कर लिया, तुमने वो सब्जी बेची नहीं, और इन गौ माता को इतनी सारी ताजी सब्जियां यूं ही मुफ्त में खिला दी। बड़ी अच्छी बात उस सब्जी वाले ने कही। सब्जी वाले ने कहा कि देखो भाई साहब, ऐसा है कि इतना कुछ उन्हें मुफ्त देने के बाद भी वो बहन जी मुझे कल याद रखेंगी या नहीं, मेरी राह देखेंगी या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन इन गौ माता को जब मैं प्रेम से कुछ खिलाता हूँ, तो ये हर रोज यूं यहाँ मेरी राह देखती हैं। और मुझे लगता है कि हमें अगर मुफ्त में खिलाना ही है, तो उन लोगों को नहीं खिलाना चाहिए जो हमारा शोषण करने की नीयत से हमसे कुछ मुफ्त में लेना चाहते हैं। मुफ्त में खिलाना है तो उन लोगों को खिलाओ जो हम पर आश्रित हैं, जो हमसे कुछ लेने के बाद अपना आशीर्वाद हम तक भेजते हैं, अपना प्यार हमें देते हैं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है। आप इंसानों को भी देते समय ये जरूर देखिए कि लेने वाले की नीयत क्या है, तभी उसे दिल खोलकर दान दीजिए। मैं हूँ विनी आपके साथ।